कुछ जो है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है कि मतलब काम नहीं मतलब हो पा रहा था, और अभी फ़िलहाल जो है कि जो भी ठेकेदार हैं उन लोग को नोटिस किया गया है कि जितना जल्दी आप लोग काम लगाइए। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पे मैं वार्ड नंबर 12 में पहुंचा हूं। ये शेरघाटी नगर परिषद का वार्ड नंबर 12 है, इसे चट्टी रोड या लीपगंज कहते हैं। हमारे साथ इस वार्ड के वार्ड पार्षद शंकर दास जी हैं। शंकर दास जी, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। पहला सवाल कि इस बार जो नगर पंचायत में अभी जो कोरोना को लेकर फॉगिंग का काम चल रहा था, मच्छर को मारने के लिए जो फॉगिंग किया जा रहा था या सैनिटाइज का काम चल रहा है, तो वो आपके वार्ड में किस तरह से चल रहा है? जैसे फॉगिंग का काम जो था ना सर, फॉगिंग का काम मतलब पूरे जो है कि वार्ड में पूरी तरह से जो है कि कर लिया गया है फॉगिंग का। और सैनिटाइज वाला जो था ना, सैनिटाइज वाला मतलब जिस रोड में जैसे गाड़ी जैसे थी मतलब पहुंच पाती थी, उस रोड में हम गाड़ी ले जाकर बड़ी गाड़ी करवा दिए। अब बाकी जैसे छोटी छोटी गली है, उस मतलब गली में जैसे गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, तो वहाँ जो पीठ पर जो छोटा सा जो मशीन मिला है उसी के मतलब द्वारा हम लोग जो है फॉगिंग उससे सैनिटाइजेशन का काम जैसे उससे हम लोग करवाएंगे। तो फॉगिंग का काम जो मच्छर मारने के लिए फॉगिंग किया जा रहा था, वो क्या हुआ है आपके यहाँ? जी हाँ हाँ, बिल्कुल हो गया है। अच्छा, हाँ पूरे वार्ड में हो गया है। अच्छा हाँ, पूरे वार्ड पूरे गली में कहीं मतलब कोई कहीं बाकी नहीं रहा। अच्छा, अभी हाँ। लोगों को ये नई योजना जो पारित हुई है सभी वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, सड़क नाली के लिए, तो शायद पहले 10-10 लाख रुपए की कुछ योजना थी सभी वार्ड में, अभी क्या स्थिति है? आपके यहाँ क्या हो रहा है, उसमें कितना मिल पाया आपको काम? जैसे मतलब मेरा वार्ड में सर ऐसा है कि 2 योजना मिला है। हाँ। समझ गए ना, 10.5 लाख का 2 योजना मिला है, उसमें 2 नाली है और 1 रोड है, PCC रोड है। अच्छा, ये कहाँ पे बनना है? ये आपका सामुदायिक भवन से लेकर सोए भैया का मकान तक है 1 नाली। हाँ। RCC नाली है, और 1 नाली है बोधी प्रजापत से लेकर जो जगन्नाथ कॉलोनी का गेट है वहाँ तक है, और 1 रोड है सर PCC, वो आपका नकुल प्रजापत के घर से लेकर गोपाल महतो के घर तक रोड है। जो आपके यहाँ जो आवास योजना है और नल जल योजना है, उसकी क्या स्थिति है, उसमें कुछ काम हुआ है या क्या है वो? नल जल का तो सर ऐसा है कि नल जल का तो बहुत पहले टेंडर हो चुका है इसका, लेकिन कुछ जो है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है कि मतलब काम नहीं मतलब हो पा रहा था, और अभी फिलहाल जो है कि जो भी ठेकेदार हैं उन लोग को नोटिस किया गया है कि जितना जल्दी आप लोग काम लगाइए। अच्छा, ठेकेदार की तरफ से विलम्ब हो रहा है? हाँ, विलम्ब हो रहा था ठेकेदार की तरफ से। अच्छा। ऑफिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आवास योजना का लाभ आपके लोगों को, आपके क्षेत्र को क्या मिल पाया? हाँ, आवास योजना में सर बाधा है? नहीं, कोई बाधा नहीं है सर। आवास योजना में पहले जो है ना, पहले 11 लोग से हुआ था और बाकी रह गया है 19 लोग, तो 19 लोग का जो है कि इधर मतलब 1 सप्ताह में उन लोग को भी, शेष जो 19 जो रह गए उन लोग को भी पैसा चला जाएगा। अच्छा जी हाँ, 28 आवास मतलब योजना था मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 12 में 2800 कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अभी जो साफ सफाई की स्थिति थी, तो पिछले नगर पंच जो कार्यपालक पदाधिकारी थे उनके जब वो यहाँ पे थे तो बहुत यहाँ पर हड़ताल की स्थिति थी, बार बार हड़ताल हो रहा था, सफाई कर्मी हड़ताल पे चले जा रहे थे, उनका आरोप था कि उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। अभी नई कार्यपालक पदाधिकारी आई हैं, तो क्या माहौल है अभी साफ सफाई को लेकर? क्या कार्यपालक जो आए हैं इनसे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, खास करके हम भी संतुष्ट हैं, और पहले जो भी कार्यपालक जैसे आ रहे हैं तो पहले से तो हमको लगता है कि 6-7 कार्यपालक चेंज हो चुके हैं, आते थे ट्रांसफर हो गया, मतलब कामें नहीं करते थे। हालांकि इसमें ना अध्यक्ष का कोई आप गलती है, कार्यपालक पदाधिकारी जी हाँ मिले, कार्यपालक से बात किए, और हम लोग को काफी उम्मीद है कि जो कार्यपालक आए हैं हम लोग का जो भी है वार्ड में विकास का काम जो रुका हुआ है वो होगा। सफाई की क्या स्थिति है? सफाई का भी स्थिति अब अच्छा है सर, ये कार्यपालक आए हैं, कार्यपालक साहिब आए हैं, तो बहुत अच्छा भी काम चल रहा। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हाँ, समय से जो है कि लेबर भी मांगते मिल जाता है, कहीं गाड़ी की जरूरत होती है वहाँ मिल जाती है, JCB की जरूरत होती है वहाँ मांगते तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं सफाई में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। ओके सर।